है ना। सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे ही सती प्रथा का बात आता है, ध्यान रखिएगा, जब भी सती प्रथा का बात आता है तो एक नाम जरूर याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे दो नाम याद रखने को है आपको, लेकिन अगर भारत में बात किया जाए, अपने भारतीय की बात किया जाए, तो राजा राम मोहन राय को सबसे पहले याद करेंगे, ठीक है। हालांकि याद रखिए, सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध तो राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन इनका सहयोग, किनका सहयोग से ये सती प्रथा को समाप्त किए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिंक, और ये कब किए थे? 1829 में, ठीक है। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से इन्होंने इसको समाप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आगे बात करते हैं, कानून की बात करें, तो 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं की सती होने का वैध घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, एक यहाँ पे चीज़ और नोट कर लीजिए कि स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ से, यहाँ पे रामकृष्ण कृष्ण परमहंस की अगर बात की गई, तो ये स्वामी विवेकानंद के क्या थे, इनके गुरु थे, है ना। तो कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, है ना, ठीक है। चलिए, और विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन देख रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चर्चा किया, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो कौन थे भाई ये, इनके शिष्य कौन थे? इनके जो शिष्य थे विवेकानंद, नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद। और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, कब? 1897 में, ठीक है। राम कृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, ठीक। और एक और यहाँ पे अगर बात करते हैं, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि एक आता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की होगी। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है, आर्य समाज का स्थापना किया था? तो आर्य समाज का स्थापना होता है 1875 में दयाराम सरस्वती ने किया था, ठीक है। यहाँ दो तीन सवाल इस क्वेश्चन से थे, मैंने बता दिए। देखिए, दो क्वेश्चन और सेकंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो आप टिक करेंगे M.S. स्वामीनाथन पर, ठीक है। श्वेत क्रांति की अगर बात करा जाए भारत में, तो टिक कर दीजिएगा वर्गीस कुरियन को। दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, काफ़ी बार रिपीट किया गया, ठीक है। एक तो श्वेत क्रांति, दूसरा हरित क्रांति। हरित क्रांति की बात है तो स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति की बात है तो वर्गीस कुरियन। चलिए आगे बढ़ते, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बी.पी. सिंह के कार्यकाल में हुआ था। इन्होंने OBC में, ठीक है, OBC में 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी, ठीक है, 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सेल सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, ठीक है। सेल का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये तो सबसे पहले आप ये जान लें कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था भाई? 1974 में इस्टैब्लिश हुआ था। ये दो क्वेश्चन तो याद रखिए, इसका फुल फॉर्म, इसका एस्टैब्लिशमेंट। कई बार पूछा जा रहा है, इधर रेलवे एक चीज़ कर रहा है कि बार बार कि वो ईस्वी पूछ दे रहा है, उसका फुल फॉर्म पूछ दे रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक किसके लिए, तो नाम से ही पता चल रहा है स्टील, तो स्टील उत्पादन के लिए होगा ना, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ये अगर आपके पास डिमांड ड्राफ्ट है, आप ऊपर में हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल क्रॉस कर देते। क्यों कर देते पता है आपको? क्यों कर देते हैं आप बताइए। देखिए, इसलिए किया जाता है, समझिएगा बात को, यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए कर दिया जाता है ताकि भुगतान जो हो ना, बैंक खाते के द्वारा किया जा सके, ठीक है। बैंक खाते के द्वारा किया जा सके, कहने का मतलब क्या है, आप चेक लेकर जाते बैंक में तो डायरेक्ट आपको पैसे नहीं मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, अगर आपने इस तरह से क्रॉस चेक कर दिया तो। अदरवाइज आपने क्रॉस नहीं किया है तो आप काउंटर पर जाएंगे, अगर आप चेक देते तो बदले में वहाँ से काउंटर पे आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्रॉस चेक करा रहा किया रहेगा तो आप क्या करेंगे, काउंटर पे देंगे, तो वो हमको क्या करेगा, आपके जो पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होंगे। बस समझ में आया? तो इस तरह से नगद प्राप्त नहीं होगा, कहाँ आएगा, सीधे आपके अकाउंट में आएंगे। तो इससे एक तरह से सेफ्टी के तौर पर किया गया है कि अगर किसी कारण में कोई
इलीगल या किसी तरह से धोखाधड़ी से अगर पैसे किसी को ट्रांसफ़र कोई कर लेता है तो बंदे को पता चलेगा भाई मेरे अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। ऐसे तो आप पैसे निकाल लिए, हाथ में दे दिया, बंदा लेके चला गया, कौन लेके चला गया पता तो नहीं चलना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? सॉरी, देखिए यहाँ पे बहुत दुविधा वाले क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। आपको लगेगा मसालों की रानी हमने तो रट लिया, इलायची 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 कर लिया, लेकिन लेकिन गलती आप टिक करके आ जाएंगे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, गलती करके आ जाएंगे। कैसे करेंगे गलती, अब यहाँ समझिएगा। यहाँ पे इलायची तो होगा करेक्ट आंसर इसका, लेकिन इलायची में दो टाइप होते हैं ना, एक तो छोटी इलायची होती है और एक बड़ी वाली होती है। अगर बड़ी इलायची की अगर कभी बात कर दिया जाए तो पता है कहाँ पे होता है बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है? केरल में होता है। ठीक है, केरल में होता है। और वहीं अगर हम बात करते छोटी इलायची का कहाँ पे होता है, ठीक, सॉरी यहाँ पे गलती मैं लिख दिया, छोटी, हाँ छोटी इलायची की अगर बात करते, छोटी इलायची, बड़ी इलायची को पहले लिख लीजिए, बड़ी इलायची होता है सिक्किम में, बड़ी इलायची होता है सिक्किम में, और छोटी इलायची जो होता है ना केरल में। ठीक है, केरल को तो मसालों का जो है सिटी भी कहा जाता है, शहर भी कहा जाता है, राज्य भी कहा जाता है, लेकिन अगर छोटी इलायची की बात करा जाए तो केरल, अगर बड़ी इलायची की बात करा जाए तो सिक्किम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक सबको, बच्चों बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर। ठीक है, नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि मिथेन गैस किससे बनती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH4 मिथेन गैस किससे बनती है? ये बनती सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ठीक है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मिथेन गैस बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? देखिए हीरा और ग्रेफाइट बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, हालांकि दोनों क्या है, कार्बन के दोनों अपने आप में एक अपरूप हैं, कार्बन के दोनों अपरूप हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि हीरा जहाँ चतुष्फलकीय होता है वहीं ग्रेफाइट पंचकोणीय संरचना का होता है। ठीक है, और भी इसके अंतर हैं। ठीक है, और भी अंतर हैं, हीरा जबकि ये क्या है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, तो वहीं ग्रेफाइट क्या है भैया, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक है। ठीक है तो दोनों कार्बन के अपरूप, लेकिन दोनों अपोजिट हैं, एक कुचालक है दूसरा सुचालक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहा जाता है घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, जिंक की सतह किस पर होती है? पॉजिटिव नेगेटिव किस पे होती है, दोनों पे होती है, तो ये होता है नेगेटिव पर, ये क्या होता है नेगेटिव पर। देखिए शुष्क सेल से रिलेटेड चीज़ें समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझ लीजिए बारीकी से। ये देख रहे होंगे एक तरह से मैंने बनाया है यहाँ पे क्या भाई, आपको शुष्क सेल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, ये जो देख रहे हैं ना ये क्या है आपका जिंक का बर्तन है, ये क्या है जिंक का बर्तन है, किसी बर्तन में इस तरह से रखा हुआ है, और इसके अंदर ये क्या है, ये पदार्थ है, ये कौन कौन से पदार्थ है ये भी नोट कर लीजिएगा भाई। इसमें इसमें जो पदार्थ है मैग्नीज डाइऑक्साइड है, कहाँ पे मैं लिख दूँ, मैग्नीज डाइऑक्साइड है प्लस कार्बन है। ठीक है, प्लस कार्बन है प्लस अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहा जाता है, नौसादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ गए कि इसके अंदर जो मिश्रण है वो क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन और अमोनियम क्लोराइड है, और जिंक का बर्तन है में रखा है तो ये होगा निगेटिव, और ये जो कार्बन है ये वाला लंबा जो चीज़ देख रहे ना ये क्या है भाई आपका कार्बन का छर है, ये क्या है कार्बन छर है, जो कि क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता बल्कि धनात्मक होता है। तो ये आपसे पूछा ना भाई कि शुष्क सेल के जिंक की सतह पर, सतह कहने का मतलब उसका जो बर्तन है ना उसी की बात किया गया है, वो होता है ऋणात्मक। ठीक है, चलिए
विषाणु होते हैं, विषाणु दोनों होते हैं, जीवित अवस्था में भी होते हैं और अजीवित अवस्था में भी होते हैं। जीवित अवस्था में की बात करें और अजीवित अवस्था में क्या यहाँ पे होगा, तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे जब निर्जीव की तरह होते हैं ये विषाणु, तो उसको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है, ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पे विषाणु में जो होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कि मानव शरीर को कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव पाया जाता है रक्त ग्रुप सबसे ज़्यादा। और लैंड स्टीन, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली, खोज किसने किया था, खोज किया था, नोट कर लीजिए, कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। पहला चीज क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन, तो दूसरा चीज मिल गया। ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं नोट कर लीजिए, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अगर यहाँ पे एक चार्ट मैं बनाता हूँ जिसमें कि एंटीजन की बात करते हैं, एंटीजन की बात करते हैं, तो एंटीजन किस में नहीं होता है, ओ में एंटीजन नहीं होता। और एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी किस में नहीं होता है, तो ए बी में नहीं होता है, ठीक है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, जबकि एंटीजन ओ में नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है, अभी इसको दर्शाया जाता है लाल रंग से, जबकि ब्लू रंग से समुद्र को दर्शाया जाता है, ठीक है, समुद्र या फिर जो नदी हो उसको ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, जब कारगिल का युद्ध है तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, है ना, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा, कारगिल के समय जो प्रधानमंत्री था वो था नवाज शरीफ, ठीक है। अब यहाँ पे बात होगा कि तो कारगिल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, अगर ये बात पूछ दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, तो उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये कारगिल का युद्ध हुआ था कब, 1999 में, ठीक है। तीन क्वेश्चन, कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में, उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, नवाज शरीफ, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है 26 जुलाई, यहाँ पे चार क्वेश्चन आपको मैं बताया, 26 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, कारगिल दिवस मनाया जाता है, इसी के कारण यहाँ पे कारगिल दिवस मनाया जाता है, कारगिल दिवस 26 जुलाई प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन चार और आगे आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे, निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, भूमिगत जल से बनी है, इसका आपको आंसर बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कास्ट विल्डो, इसका आंसर जो हो जाएगा कास्ट विल्डो, ठीक है। जबकि ड्रमलिन के क्वेश्चन का कहीं आज एग्जाम में, तो ड्रमलिन जो ड्रमलिन किससे बनता है, हिमनद से बनता है, ठीक है, हिमनद से बनता है ये। और ये सर्क जो बनता है सागरीय जल से बनता है, सागरीय जल से बनता है, ठीक है। दो क्वेश्चन और नोट कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, लाल त्रिकोण का संबंध किसके है, परिवार कल्याण से है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जानिएगा, ठीक है, इससे चीज़ें जाने वाला बात क्या है, यहाँ पे यहाँ से जो चीज़ें जाने वाला वो रेड क्रॉस से रिलेटेड है, रेड क्रॉस का चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है, प्लस का होता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में उसी, ठीक, इतना याद रखिएगा। और इसका जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनान थे। अब आते हैं यहाँ पे WHO को, WHO का स्थापना कब हुआ था, 1948 में, ठीक है, 1948 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। यूनिसेफ की बात करते हैं, तो यूनिसेफ की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1946 में, हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, हेडक्वार्टर आपका है न्यूयॉर्क में, न्यू यॉर्क में, USA, ठीक है। और इसका जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन मैंने आपको और बता दिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए कंट्रोल रेखा दर्शाती, क्या दर्शाती कंट्रोल रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये जो कंट्रोल रेखा है ये क्या दर्शाती है, कंट्रोल रेखा दर्शाती है कि यहाँ पे समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, कंट्रोल रेखा को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, आइसो हाइपोटेन्यूज,
ठीक है, आइसोहाइड्रोसिस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक मतलब अम्ल की प्रतिक्रिया धातु से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। जब अम्ल की प्रतिक्रिया अम्ल प्लस धातु होगा तो क्या होगा, ठीक है, अम्ल प्लस धातु होगा तो क्या होगा। अगर अम्ल प्लस धातु होगा तो हाइड्रोजन गैस होगा, अम्ल प्लस धातु होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है। क्रस्ट मतलब पृथ्वी का एक तीन लेयर होता है ना, ऊपर में क्या होता है क्रस्ट जिसको कहते हैं भूपटल, दूसरा पार्ट होता है आपका मेंटल और लास्ट वाला होता है कोर। पूछा गया कि इस वाले परत में क्या पाया जाता है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे आपका सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, गांव के पशु मेला में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है, तो किसे आय होती है, तो किसे आय होती है, आय होती है किसको, जल्दी बताइए। यह होती ग्राम पंचायत को, ठीक है, ग्राम पंचायत को। और ग्राम पंचायत की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, अनुसूची जो थी 11 थी इसकी, अनुसूची 11 के माध्यम से हुआ था जिसमें कि 29 विषय था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अनुसूची 11 29 विषय। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नगर निगम देख रहे हैं ना, तो ये किसके अंतर्गत कौन से संविधान संशोधन में हुआ था, 74वें संविधान संशोधन, ठीक है। अनुसूची कौन सी थी, अनुसूची 12, ठीक है, और विषय कितने थे, विषय इसमें थे 18, ठीक है। ये दो, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन मैंने और आपको बता दिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे एक चीज़ जिला परिषद के बारे में जान लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का ये शीर्ष स्तर है, क्या है, शीर्ष स्तर पर है। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते सवाल पे कि भाई यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नील द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है, इसका परिवर्तन नाम है शहीद द्वीप। चलिए आगे बढ़ते, हिमालय के सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन जो होंगे, यहाँ पे इसका नाम है हिमालय का जो सबसे उत्तरी में, फिर मध्य में और लास्ट में, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो सबसे उत्तर में उत्तरी भाग में क्या हो जाएगा, हिमाद्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है भाई, दही का जमना प्रतिक्रिया है आपका रासायनिक प्रतिक्रिया है, दही का जमना क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित से कौन सा खाया जाने वाला भाग मुक्त है एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म मतलब अंदर का मतलब कौन, किसको खाएंगे, तो एंडोस्पर्म खाएंगे नारियल का, ठीक है। बाकी अगर सेब की बात करें तो सेब का क्या भाग खाते हैं, पुष्पाशन खाते हैं, ठीक है, पुष्पाशन खाते हैं। अमरूद का क्या खाते हैं भाई, अमरूद का फल भित्ति एवं और क्या खाते हैं, बीजांडसन। और सेम चीज अंगूर में भी होता है, ठीक है, इसका भी यही पाठ खाते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम आपको बताना क्या था, तो देखिए भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म की बात करते हैं 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में सारनाथ में, जो कि यूपी में है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी मृत्यु थी 483 में, ईसापुर में, ठीक है। तो मैंने दो तीन चार पॉइंट और भी था जो मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए, मेगास्थनीज राजदूत था, किसका राजदूत था भाई, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और ये किसके दरबार में आया था, तो ये जो था ना मेगास्थनीज जो था, ये किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक कौन का नाम क्या था, इंडिका, ठीक है, इंडिका। दो पॉइंट, मेगास्थनीज किसके किसका राजदूत था, सेल्यूकस के राजदूत था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था, ठीक है। वही चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है,
नोट कर लेंगे। और इसी के दरबार में कौन रहते थे? कालिदास। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक के, यह तो अच्छा गुप्त वंश के संस्थापक, तो मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मेगास्थनी, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, आगे बढ़ते। दल बदल कानून कब पारित हुआ था? 1950 में हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, के अंतर्गत, ये नोट कर लीजिएगा, 52वां 1985। ठीक है, अब आते हैं निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है? निकट के का अपोजिट होगा, निकट का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो निकट के लिए अपोजिट अवतल, अगर ये दूर दृष्टि का होता तो दूर के लिए उत्तल। बायफोकल किसके लिए करते हैं? प्रेस बायोपिया के लिए, प्रेस बायोपिया, ठीक है, बायोपिया। बेलनाकार किसके लिए करते हैं? एस्टिगमैटिज्म, ठीक है, जिसको अपबिंदुकता भी कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? अपबिंदुकता भी कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस में अगर बात करते हैं निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? इसको मायोपिया कहते हैं, इंग्लिश में मायोपिया। इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो बाइफोकल लेंस की अगर बात करें तो प्रेस बायोपिया में यूज़ करते हैं। बेलनाकार सिलिंड्रिकल की बात करते हैं तो एस्टिगमैटिज्म में, दूरदृष्टि मीन्स की लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं उत्तल लेंस में, और मायोपिया की बात करें तो अवतल लेंस में। ठीक है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको मैंने और बता दिया। इनमें से कौन समय का मात्रक नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं, बाकी लिव वर्ष, लूनार महीना, माइक्रोसेकंड सभी मात्रक हैं समय के। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है। एक प्रकाश वर्ष में का मान कितना होता है? 9.46 × 10^15 मीटर। ठीक है, चलिए। सनी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो सनी डेज लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। एक भारी वस्तु, एक हल्की वस्तु को मीनार से चोटी से गिरा जाता है तो प्रतिरोध नगण्य माना जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चोटी है, यहाँ से एक वस्तु को गिराया गया, एक और वस्तु को गिराया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें हवा का प्रतिरोध क्या है? नगण्य हो, हवा नहीं हो, ठीक है, हवा शून्य हो, तो जमीन पर कौन पहले वस्तु गिरेगा? देखिए ध्यान रखिए, ऐसे में त्वरण इक्वल होता है, त्वरण क्या होता है? समान होता है, सॉरी त्वरण की बात करें, यहाँ पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्व त्वरण होता है, दोनों में समान लगता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं एक साथ ही जमीन पर आएगी। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। आगा खाका खेल किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। एक और क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है, बेलिंगटन ट्रॉफी, ठीक है, बेलिंगटन ट्रॉफी किससे या कप किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप की गेंद टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है? ठीक है, किस राशि का संरक्षण होता है आपको फटाफट बताना है, जल्दी बताइए। तो ये होगा संवेग, ठीक है, संवेग। संवेग का फॉर्मूला भी होता है क्या भाई? संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये सदिश राशि है, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, पहला तो आपको मैंने बताया, दूसरा सदिश राशि है, और इसको इसका जो मात्रक है ये भी लिख दे, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे। चलिए, तेलों के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तेल का जमना कौन सी क्रिया है? फटाफट बताइए। असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक के तौर पे होता है निकल, ठीक है, कि उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ओटावा की राजधानी क्या है? ओटावा की राजधानी कनाडा है। ओटावा की राजधानी क्या है? कनाडा है। ठीक है, मीन्स की ओटावा राजधानी किसकी, सॉरी ऐसे क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी ना ओटावा, ऐसे होगा, ओटावा किसकी राजधानी? कनाडा की। और स्पेन की राजधानी क्या होगी? नोट करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल कर ले। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है।
नॉर्वे की राजधानी क्या है भाई? ओस्लो। स्वीडन की राजधानी क्या है भाई? नोट कर ले, स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। चलिए, एक क्वेश्चन था, तीन और मैंने बता दिया। यमा के लेखक कौन है? यमा के लेखक कौन है? यमा के लेखक हैं कौन, जल्दी बताइए। यमा के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है, और आधुनिक भारत के सबसे प्रिय कवि थे। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर बात करते जयशंकर प्रसाद की बात करें, तो आधुनिक भारत के जो है प्रसिद्ध थे या सबसे महान थे, नाटककार थे। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे। प्रसिद्ध भारतीय नाम बिहू किस, क्या है ये? ये एक तरह का नृत्य है। कहाँ का नृत्य? असम का नृत्य है, असम का नृत्य है। यहाँ से एक और मजेदार बात, यहाँ की ये फसल उत्सव है। ठीक है, फसल उत्सव है, और ये साल में 3 बार, साल में 3 बार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, उस भौतिक राशि का मात्रक किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है भैया, बताना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का जो है मात्रक टेस्ला है। अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो इसका जो है मात्रक वेबर है। ठीक है, और चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो गाउस। ठीक, चलिए। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है, संबंधित है भोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे। सेनेगल की राजधानी क्या है? सेनेगल की राजधानी क्या है, क्या है, क्या है? उसका जो आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए हमको, जल्दी बताइए। डकार है। ठीक है, डकार है। और इसका अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या होगा? मुद्रा है फ्रैंक। ठीक, चलिए। अब आते हैं सेवन हिल्स, मीन्स कि सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान के लिए। उच्च तापमान भी किसके लिए? तो दूर स्थित, ठीक है, दूर स्थित वस्तु की ताप को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, और इसमें अगर आपको स्कैटरिंग ना मिले, ठीक है, और वर्ण विक्षेपण मिल जाए, तो आप किसको टिक करेंगे? यहाँ पे वर्ण विक्षेपण टिक करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तो कौन सी राशि, कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि है मीन्स की सदिश राशि मतलब जिसका, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, और डायरेक्शन दोनों हो, किस में होता है, जल्दी बताइए। ये होगा भार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा किसके द्वारा, इसके प्रथम नियम की संकल्पना से क्या प्राप्त होता है? तो जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक, चलिए। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा तब उसकी लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? अगर आवर्तकाल टी अगर दुगुना हो जाए तो उसका जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। टिक कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 किससे प्रस्तावित है? बस याद रखिएगा, समान अधिकार। ठीक ना, चलिए। वियना की राजधानी क्या है? वियना की राजधानी हो जाएगा, हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना की राजधानी है। ठीक, अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल। ठीक है, ब्रुसेल्स। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा, बोगोटा। इटली का राजधानी? रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है, और इसका अगर राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है भाई? तो प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। किसी ठोस में वितरित द्रव को क्या कहते हैं? किसी ठोस में वितरित द्रव को सोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक क्या है? तारे का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन रेखा किन देशों की सीमाओं को सीमांकन करती है? तो ये करेगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ठीक है, चलिए अब आते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी भैया, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इतनी बार तो मैंने बताया था आपको,
आप लोगों को पता है तो बताइए जल्दी, नहीं पता तो महावीर की मृत्यु हुई थी, देखिए जन्म हुआ था इनका कुंड ग्राम वैशाली में, कुंड ग्राम वैशाली में, और जन्म मृत्यु हुआ था पावापुरी में, मीन्स की राजगीर, राजगीर, राजगीर। और ये दोनों का जगह कहाँ है भाई, ये बिहार में ही है दोनों जगह, बिहार में ही वैशाली भी, बिहार में ही राजगीर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, रामचंद्र गुहा। अब जरा तेजी से चलेंगे क्वेश्चन पर। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को कहा जाता है GST। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप, पल्लव किनके सामंत थे, पल्लव किनके सामंत थे, तो पल्लव जो थे सातवाहनों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है, आंसर होगा बोलिविया। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, इसकी किस प्रकार की होती है, विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है उसका प्रकार है संवहनीय वर्षा। ठीक है नेक्स्ट है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 × 2S2O। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर द्वीप को भारत के मुख्य द्वीप भूभाग से निम्नांकित में से कौन अलग करता है, रामेश्वर द्वीप को भारतीय भूभाग से पम्बन द्वीप अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस हार्मोन को बताएं जो पादप हार्मोन नहीं है, कार्टिसोन पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है, कर के अंतिम भार को कहा जाता है करापात या इंसिडेंस कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध के प्रशस्त हुआ था, तराइन का युद्ध। तराइन का दो युद्ध हुआ था भैया, एक तो 1191 में, दूसरा 1192 में। दोनों युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, पहले होता पृथ्वीराज प्लस गौरी के बीच में, पृथ्वीराज जीता गौरी हारा, दूसरी बार सेम इसी के साथ हुआ था, अब की पृथ्वीराज हारा दूसरी बार गौरी जीत गया। ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया था, अब्राहम लिंकन ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण किस शासनकाल में रहा, तो अकबर के शासनकाल में रहा। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, गुजरात विजय के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिस की क्रिया के अंत में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज बदल जाता है पाइरूविक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन जो निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, हालांकि सीरा की बात करें वेन की बात करें, वेन क्या करता है, ये इम्प्योर ब्लड का सप्लाई करता है, इम्प्योर ब्लड का ये क्या करता है, बॉडी टू हार्ट ले जाता है, मीन्स की सप्लाई करता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतस्थ श्रावी और बाह्यश्रावी, मीन्स की इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह का कार्य करता है, पैंक्रियाज करता है। ठीक है, मैं समाजवाद हूँ पुस्तक के लेखक कौन थे, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते सवाल पे, अशोक का धर्म किस पर जोर देता था, शांति पर तो जोर देता था, साथ ही जन कल्याण दोनों पर करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में त्वरण, त्वरण जो होता है, त्वरण किसका समानुपाती होता है, डिस्प्लेसमेंट का समानुपाती होता है, मीन्स के विस्थापन का समानुपाती होता है। स्पेक्ट्रम में किस तरंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है लाल का, और सबसे कम होता है वायलेट का, जिसमें लिखते हैं ना भिव ग्योर। ठीक है, तो लाल का सबसे ज़्यादा और बैंगनी का सबसे कम। ठीक चलिए, और इसी का अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वेवलेंथ अगर जिसका ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रेट का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, अपोजिट है। ठीक है, लाल ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है, लाल ग्रंथि के द्वारा टाइलिन। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो छोटा राजमार्ग यहाँ पे है NH-47A। ठीक है, NH-47A, लेकिन अब तो सबसे छोटा राज की यहाँ पे बात कर दिया मैंने, तो सबसे बड़े जो है यहाँ पे, ये तो सबसे छोटा हो गया, तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, ये भी नोट कर लीजिए, सबसे लंबा जो है NH-44 है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछेगा, अब यदि साबुन के बुलबुले को आवेश किया जाए तो क्या होगा, ये फैलेगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये जम्बेजी नदी पर है। प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, केरल राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है चलिए आपको थोड़ा और मैं समय देता हूँ, आपको इसका सवाल आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय
मानक संस्था कहाँ स्थित है? चलिए थोड़ा सा वक्त मैं देता हूँ, आप बताएंगे इसको, क्या बता पाएंगे? इतना देर हो गया? चलिए मैं बता दूँ, इसका जो मानक संस्था है वो संस्था वो है जिनेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनसेट 4A। कोई वस्तु अधिकतम भारी हो जाएगा कब? जल में, निर्वात में, हाइड्रोजन में, वायु में? वायु में, ठीक है। कितने वर्ष तक ना देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? 40 वर्ष तक। पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को क्या कहा जाता है? अल्पना कहा जाता है। वर्ष 1991 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कनिंग पुरस्कार की स्थापना किसके मदद से की थी? किसके द्वारा की थी? बीजू पटनायक के द्वारा। क्वार्ट्ज कैंतरित होता है बलुआ पत्थर से। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह है। निम्नलिखित में से गलत मिलान करना है भैया, ठीक है। गणित अनुपात का नियम डाल्टन, स्थिर अनुपात का नियम प्रास्ट, आंशिक दाब का हो गया फिर से डाल्टन, ठीक है। सभी दो डाल्टन यहाँ हो गए। और लास्ट का पीएच स्केल का नियम पियर्सन ने किया था, बिल्कुल कौन किया था? एसपीएल सोरेनसन ने, सोरेनसन। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति दक्षिण अंद महासागर से, ठीक है। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? दोनों सदनों को उपस्थित मतदान करने वाले सभी सदस्य के बहुमत से। आगे बढ़ते सवाल पे, कि परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? पूंजी पर मूल हास के बराबर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? इसका मुख्यालय इंदौर में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? पिंगले वेंकैया ने किया था। निम्नलिखित में किसके द्वारा किसे द्वि सदन कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। भारत के महान न्यायवादी अधिकतम किस उम्र की सीमा तक अपने पद पर रहेंगे? तो 65 वर्ष तक के रहेंगे, ठीक है। और महान्यायवादी का जो पद का वर्णन है अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है।